हेलो गैस, के टेक्निकल दुबई में आपका स्वागत है। फिर एक नया वीडियो के साथ हम आया है आज। जो एक लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू हुआ उसमें पूछा गया, बहुत सारे आदमी इंटरव्यू में इसका मतलब क्लियर आंसर जो इंटरव्यूअर को जो सेटिस्फाई करेगा वो हिसाब से वो आंसर नहीं दिया, तो इसके ऊपर मैं सोचा कि एक छोटा वीडियो बना के आप लोग को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। ये देखिए, हमारा सामने जो दिख रहा है ये हमारा लाइव पैनल है। मैं लाइव प्रोजेक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें लिखा है हमारा पीएलसी का, सही है, पीएलसी कंपार्टमेंट। तो ये क्या करता है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये पीएलसी पूरा है। पीएलसी क्या होता है, सही है, पीएलसी जो इधर हमारा एमडी भी होता है, आप देख सकते हैं इधर जो हमारा एमडी भी है, एमडी भी पैनल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, सही है। तो इसमें आप लोग को दिखा होगा कि इधर लिखा है मेन एलबी स्विच बोर्ड सेक्शन वन, ये सही है। तो ये जो एमडी भी है इसमें हमारा ट्रांसफार्म का पावर, जैसे इधर लिखा है ट्रांसफार्म वन, ट्रांसफार्म का पावर और प्लस जनरेटर का पावर दोनों आता है, सही है। तो ये दोनों के लिए दोनों एसीबी यार सर्किट ब्रेकर एसीबी लगता है, सही है। तो इसमें क्या होता है, जो चेंज ओवर का काम करता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्म का पावर शटडाउन हो गया, किसी भी ऐसे हमारा चला गया, कट हो गया, पावर कट हो गया, तो हमारा जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए और जनरेटर का पावर हम लोग को बिल्डिंग में आ जाना चाहिए, सही है। तो यही काम करता है हमारा। होता है भी फिर भी आदमी इंटरव्यू का टाइम थोड़ा नर्वस हो जाता है, वो टेंशन ले लेता है कि बोलता है कि जब हमारा मेन ट्रांसफार्मर से पावर चला गया तो हमारा जनरेटर को एक्टिव करेगा कैसे पीएलसी भी, सही है। जो पीएलसी होता है वो यहाँ ये जितना भी इलेक्ट्रिकल का हमारा एमडी भी है या ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है या हमारा इधर चेंज ओवर है, सबका मेन जैसे ब्रेन जैसा काम करता है, सही है। तो ये इसमें क्या होता है, हमेशा पावर रहने के लिए इसको, ये पावर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा ट्रांसफार्मर पावर या हमारा जनरेटर पावर, ये हमेशा काम करता है उसका बैटरी चार्जर से, सही है। इधर हम लोग का ये जो ये कंपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा बैटरी है, इधर आप लोग देखता होगा कि इसमें 24 वोल्ट बैटरी इसको पीएलसी को काम करने के लिए, उसको चालू होने के लिए, उसमें जो भी है फंक्शनैलिटी फंक्शन होने के लिए, ये सिस्टम को 24 वोल्ट का बैटरी पावर चाहिए, डीसी पावर चाहिए। तो ये इसमें ये क्या करता है, हमेशा चालू रहता है, कभी भी ये बंद नहीं होता है। जो आपका जनरेटर का पावर या आपका ट्रांसफार्मर का पावर कभी भी बंद हो जाएगा, हमारा पीएलसी भी कभी भी स्विच ऑफ होगा नहीं, सही है। तो यही बात बहुत सारे आदमी नहीं बता पाया, शायद उनको मालूम है लेकिन उस टाइम उनको याद नहीं आया, या ये सोच लिया कि सही बात है, जब पूरा बिल्डिंग का पावर कट हो जाएगा तो पीएलसी में कैसे पावर रहेगा। तो ये है हमारा पीएलसी जो है हमारा बैटरी सिस्टम से काम करता है, इसके लिए हमेशा बैटरी लगा रहा है और ये चार्जिंग होते रहता है, सही। इधर आप लोग देख सकते हैं मेन हमारा चार्जिंग करंट चार्जिंग इधर लिखा है और ये हमारा ऑन हमेशा है, ये कोई भी पावर आए, ट्रांसफार्मर का पावर आए या जनरेटर का पावर आए, ये चार्जिंग होते रहेगा। जब इसका पावर कट हो जाएगा तब ये क्या होगा, हमारा ये जो आउटपुट इसका दिख रहा है आप लोग, इधर 30 वोल्ट अभी करंट हमारा ये सॉरी हमारा वोल्टेज है और ये कितना एम्पेयर में चल रहा है, इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लगभग 3.5 एम्पेयर में चल रहा है, सही है। तो इसका जो लोड है, तो मेरा यही बोलना था कि आपको कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछता है, कोई भी इंटरव्यूअर इंजीनियर हो या मैनेजर सुपरवाइजर, आप उसी टाइम आप बताने का कि पीएलसी का जो करंट पावर होता है वो कभी शटडाउन नहीं होता है, उसको बैटरी आउटपुट से वो चलता है। कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर पावर या हमारा जनरेटर पावर शटडाउन होने का टाइम, कट होने का टाइम, ये हमेशा चालू रहता है और यही चेंज ओवर करके हमारा जब भी ट्रांसफार्मर का पावर कट हो जाता है तब वो जनरेटर को स्टार्ट कर लेता है, फिर पूरा बिल्डिंग में हमारा पावर सप्लाई चला जाता है, सही है। तो यही छोटा सा वीडियो में आप लोग को इतना समझाने के लिए कोशिश किया। आप लोग देख सकता है ये पीएलसी जो है इसमें क्या क्या है, बहुत सारे है, ये तो एक्चुअली हमारा काम नहीं है, इसमें हम लोग काम नहीं करता है, इसको थर्ड पार्टी आके इसका जो भी है मेंटेनेंस करता है, प्रोग्रामिंग करता है, कभी फेलोर होता है तो ऐसा तो ज़्यादातर अब नहीं होता, एक बार हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग हो गया तो उसके बाद वो चलते रहता है, सही है। तो चलिए, ये छोटा वीडियो में मैं इतना आप लोग को समझाने के लिए कोशिश किया कि जब भी आप लोग इंटरव्यू देगा कोई भी कंपनी में, ज़्यादातर टेक्नीशियन लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, सुपरवाइजर लोग इंजीनियर लोग तो ये लोग को पहले से मालूम होता है कि वो डिप्लोमा और बीटेक करके रखता है, तो लेकिन टेक्नीशियन लोग ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है, जस्ट आईटीआई करके वो लोग गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए कोशिश करता है, इंटरव्यू देता है, तो वो लोग के लिए ये वीडियो है।
कि आप लोग को कभी भी कोई इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इसके ऊपर आप लोग ये बता सकता है, सही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।